ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाजपा को गुजरात में मिली जीत पर भाजपाइयों ने देर शाम दुर्ग भाजपा कार्यालय पहुंचकर पटाखा फोड़कर मिठाइयां बांटी, साथ ही देश के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व पर भरोसा जताया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर पूरे देश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दुर्ग में भी इसका असर देखने को मिला। गुरुवार को देर शाम दुर्ग के भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी इजहार करते नजर आए। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व का भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ है, वहाँ वो सीट हम जीत चुके थे, लेकिन भूपेश बघेल जी ने अपने प्रशासन का पूरा इस्तेमाल किया है उस चुनाव में धांधली करने के लिए। और जहां तक गुजरात की बात है, तो गुजरात चुनाव में एक बार फिर वहां की जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस और सारी पार्टियों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिताया है। तो इस चुनाव को फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि आज भी जनता उनको उतना ही चाहती है जितना 27 साल पहले चाहती थी गुजरात की जनता। तो हमने एक बार फिर गुजरात में पूर्ण बहुमत से और भारी मतों से चुनाव जीता है और हम आने वाले समय में पूरे देश में फिर 2024 के चुनाव में पताका फहराएंगे और 2023 की हमारी छत्तीसगढ़ जीतने की तैयारी है और छत्तीसगढ़ की इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। साथ में हमने कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिला, ये जीत इतनी विशाल जीत है। आज हिंदुस्तान में 27 साल का रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले कोई सरकार है तो भाजपा की सरकार है, जिसने गुजरात में 27 साल राज करने का। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।